वेलकम टू माई चैनल वी लव फॉर्च्यून डबल वन डबल वन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज सो आज की जो वीडियो है वो अ कार रीडिंग होगी और आज हम ये देखेंगे कि आपके जो इंसान है आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो या आपके लवर फ्रेंड क्रश, एक्स हस्बैंड, वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है वो आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे वो आपसे कब बात करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हो ऑन एन ऑफ सिचुएशन में हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सेपरेशन में हो उनके लिए हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है वो आपसे कब बात करेंगे कब आपको कमिटमेंट देंगे और वो बात करना चाहते हैं भी या नहीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं भी या नहीं ये सब हम आज देखेंगे तो आज आपको आपके पर्सन का बर्थ डेट या फिर जन्म तारीख को सिलेक्ट करना है ओके okay, तो अगर आपके पर्सन का बर्थ डेट वन फोर फाइव सेवन फिफ्टीन नाइन टेन सिक्सटीन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन या थर्टी वन या फिर जन्म तारीख एक चार पाँच सात पंद्रह नौ दस सोलह तेरह उन्नीस बीस बाईस चौबीस छब्बीस उन्तीस इकतीस है तो आपको ग्रुप वन या फायल वन चूज करना है और अगर आपके पर्सन का बर्थ डेट टू सिक्स थ्री इलेवन एट ट्वेल्व एटीन फोर्टीन सेवनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थर्टी या फिर जो जन्म तारीख है वो दो छः तीन ग्यारह आठ बारह अठारह चौदह सत्रह इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस हैं तो आपको ग्रुप टू या पाइल टू चूज़ करना है देख लीजिए आपके जो भी पर्सन आपके जो भी पार्टनर हैं उनका बर्थ डेट कौन से ग्रुप में है ग्रुप वन में या ग्रुप टू में या पायल पायल टू में और उसे आप चूज कर लीजिए ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो ओके गाइस तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हेलो पायल नंबर वन सो जिन्होंने भी पायल वन या फिर जिनके पर्सन का बर्थ डेट वन फोर फाइव सेवन फिफ्टीन नाइन टेन सिक्सटीन थर्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन थर्टी वन या फिर एक चार पाँच सात पंद्रह नौ दस सोलह तेरह उन्नीस बीस बाईस चौबीस छब्बीस उन्तीस इक्तीस हैं देखते हैं आपके जो इंसान है क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे कब कमिटमेंट देंगे ठीक है सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर करेंट सिचुएशन में जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही हैं देखने की कोशिश हम करेंगे जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो प्लीज गॉड इन एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल टू नो द फीलिंग एनर्जीज ऑफ दियर फॉर कनेक्शन वॉइस हमारे पास है पाइशियस और भी साइंस देखते हैं कॉम्प्रोमाइज अर्थ साइन वसप्रिकॉन फिर हमारे पास द सोर्स फायर साइन लियो सजिटेरियस The rebel, sharing. Bottom of the deck से देख लेते हैं तो हमारे पास है यहाँ पर कैंसर है अंडरस्टैंडिंग ओके okay? अभी और भी कार्ड्स आएंगे वहां पर भी साइंस देखेंगे गाइज लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपके पर्सन के लाइक आपके साइंस मौजूद नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आ, रेडी है वो आपके लिए नहीं है ये साइंस कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में भी आपके मौजूद हो सकते हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं जो आपको पता नहीं है ओके okay. सो so, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग साइंस पे मत जाइएगा ठीक है आप लोग सिचुएशन पे जाइएगा बिकॉज साइंस उतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे टेंस्ट हो जाते हैं साइंस नहीं होता है तो उनको लगता है कि पता नहीं हमारा रीडिंग है या नहीं है हम रिलेट करें कि ना करें सो ओके क्योंकि ये जो साइंस है कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट भी मौजूद हो सकते हैं ठीक है एक हाउस होता है ट्वेल्थ चार्ट का वहाँ पर भी मौजूद हो सकते हैं ओके okay? तो so, टेंशन लेने की यहाँ पर बात नहीं है तो so, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आप दोनों के रिश्तों को लेकर सो so, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो इंसान है किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस वक्त ओके okay, किसी चीज़ से हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी और चीज़ को लेकर हो सकता है आप हो एक तरफ और एक तरफ इनकी फैमिली है एक तरफ आप हो एक तरफ उनका करियर है उनकी इंस्टेबिलिटी है तो ये कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं ठीक है बिकॉज ये जो इंसान है इनकी इनर वॉइस ये इनको कह रही है कि इनको आपके तरफ आना चाहिए इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए इनको पावर लेना चाहिए आप दोनों की कनेक्शन की इनको चार्ज लेना चाहिए आप दोनों के कनेक्शन की और ये दिल से चाहते भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए पैरों में जो है वो वॉट से लाइक बंधा हुआ दिख रहा है यहाँ पर बट ये जो इंसान है फिर भी इसने हाथ में फायर पकड़ा हुआ है और इस इस चीज को ये तोड़ रहा है इसको हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो लाइक कैदी टाइप का है ओके okay? सो so, जो भी हो सो so, आपके जो पर्सन हैं वो किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं अटके हुए हैं ठीक है थीके? कोई चीज़ उन्हें रोकती है वो बहुत स्टक फील करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी ने कैद कर लिया है हो सकता है उनकी नार्सिसिस्टिक फैमिली हो या इनके करियर में ग्रोथ नहीं है ये इनस्टेबल है लाइफ में ठीक है इनके हाथ में सक्सेस इनको नहीं मिलता इनके और भी कोई इश्यूज हो सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं समझौता करते हैं अपने फीलिंग्स को ये दबा कर ये बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं बाकी लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं हो सकता है फैमिली को इतना मानते हूँ इतना उबे करते हूँ कि अपनी दिल की बात अपना स्टैंड ये रखते ही नहीं है फैमिली वालों के सामने ठीक है हो सकता है कि इनको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिखते हो तो उन ऑब्स्टेकल्स को ही अपना लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनके अंदर की फीलिंग्स क्या है उनके अंदर क्या पावर है वो आपके लिए इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं तो करंट एनर्जी मुझे दिख रही है कि इंसान जो है मजबूर है समझौता कर रहे हैं किसी एक चीज़ में आपके आपको लेकर और ये जो इंसान है उनका दिल यही कहता है कि उनको आपकी तरफ़ आना चाहिए बढ़ना चाहिए उनका दिल उसे उन्हें पुश करता है कि ये अपने बंधनों से निकलें ये अपने कंफर्ट जोन से निकले और ये आपकी तरफ आए क्योंकि इनका दिल चाहता है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें ठीक है इनकी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ नई शुरुआत करें क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपने रिश्ते में सब कुछ किया आप आपने बहुत एफर्ट्स डाले इस इंसान के लिए आपसे जो जो बन पाया आपने वो किया लेकिन इन रिटर्न इस पर्सन ने आपको कभी कुछ नहीं दे पाया इंसान आपको ठीक है तो इनकी करंट एनर्जीज मुझे ये दिख रही है सिचुएशन चाहे जो भी हो ये पर्सन अभी अपनी दिल की सुन रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और इनका दिल ये कह रहा है कि इनको आपके तरफ आना चाहिए इनको किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहिए अपने सिचुएशन से हो सकता है अब तक ये समझौता कर रहे थे या फिर ये नेगेटिविटीज़ पे ही ध्यान दे रहे थे जो चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं हो सकती थी उसी पे ध्यान दे रहे थे लेकिन अब जो है ना वो अंदर से सुन पा रहे हैं अपनी चीज़ों को ठीक है और अब ये जो इंसान है आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और अब इंसान चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास वापस आए तो कुछ सॉलिड कमिटमेंट या ऑफर लेके ही आपके पास आए ठीक है Uh, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है तो इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करना है जहाँ तक मुझे इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही है ये सारे बंधनों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं इनके अंदर स्ट्रेंथ धीरे धीरे आ रही है बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको सब कुछ प्रोवाइड करना है आपको इनको प्रोवाइडर बनना है आपका क्योंकि हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग जो ये भी शो कर रहे हैं कि हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे इनको समझ ही नहीं आता था कि आप दोनों का रिश्ता कितना पावरफुल है ठीक है और आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें यूनिवर्स से साइंस मिल रहा है अब उनको लग रहा है कि इनको लाइफ में फ्रीडम चाहिए ठीक है क्योंकि इनको लग रहा है कि ये लाइफ में फ्री नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनको ऐसा एक विश है कि ये जल्द से जल्द फ्रीडम ला पाएं अपनी जिंदगी में ये फ्री हो पाए सारे बंधनों से मुक्त हो पाएँ और फिर ये आपके तरफ आएँ क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इनके पास पावर नहीं था किसी के लिए किसी के सामने आपको लेकर स्टैंड लेने का लेकिन अब ये चीज़ इनके मन में आ रही है इनके अंदर वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन हो रहा है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप लोग बिल्कुल नो no कांटेक्ट में हो सेपरेशन में हो कॉल मैसेज करेंगे कि नहीं द okay. एम्प्रेस कुछ लोग यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते okay? और के और से सबके लिए है बट मैंने बता दिया जो मुझे दिखा थोड़ा ओके सेवन ऑफ काप्स सेवन ऑफ पेंटिकल्स डबल सेवन एक साथ ओके फोर ऑफ काप्स

ये इंसान हो सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एल्यूजन्स में फंसे रहते हैं ओके okay, बहुत ज़्यादा एल्यूजन्स में फंसे रहते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में फंसे रहते हैं इनको लगता है ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा ये कैसे होगा वो कैसे होगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इनके माइंड में चलते रहते हैं बहुत so, टाइप के इन नेचर में चलते हैं ओके बट ये जो पर्सन है इनका मन जो है वो कहीं ना कहीं आपके बिना कहीं नहीं लगता ठीक है इनको ऐसा लगता है कि ये आपको इस तरीके से देखते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा अबंडेंट लेकिन इनको लगता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लायक ठीक है और इनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बस आप पर ही रहता है चाहे इनको कितने भी प्रपोजल्स मिल जाए कोई भी इनके लाइफ में आ जाए लेकिन इनका जो एनर्जी है वो आपके बिना बहुत डिससेटिस्फाइड वाला रहता है और मुझे लग रहा है कि आगे चल के भी इस इंसान के लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स रहेंगे ठीक है इस पर्सन के लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी ये इंसान फ्यूचर में भी बर्डन रहने वाला है लेकिन उसके बावजूद ये इस पर्सन को कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा अपने लाइफ में ये अभी जो चीज़ फेस कर रहे हैं कहीं कही ना कहीं उससे बहुत हद तक ये निकलेंगे कुछ स्टेबिलिटी इनके लाइफ में आएगा और ये जो इंसान है वो पेज की तरह आपके पास आएंगे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आपको प्रपोजल देंगे आपको अप्रोच करना चाहेंगे अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे ठीक है लेकिन ये उस वक्त भी आपके पावर में नहीं आएंगे ठीक है क्योंकि आप इम्प्रेस की तरह हो और लेकिन ये आपको पेज की तरह आएंगे आपके पास वापस ओके लेकिन हाँ डेफिनेटली आप दोनों के सिचुएशन में ब्लेसिंग्स आएगी पॉजिटिव चेंजेस होंगे क्योंकि हमारे पास तो सन है ओके ये इंसान खुद एफर्ट्स डालेंगे ये खुद चाहेंगे कि आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए लेकिन ये इंसान जब आपके लाइफ में वापस आएंगे तब भी इस पर्सन के लाइफ में वही ड्रामा वही प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं चलती रहेंगी कुछ हद तक ठीक है उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये इंसान आपको पाना चाहेंगे वापस अपने लाइफ में जिसके वजह से ये, ये आपको कांटेक्ट करेंगे लेकिन हाँ ये इंसान आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहेंगे या आपको क्लियरली बताना चाहेंगे कि इनको आपसे क्या चाहिए और ये क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए लेकिन हो सकता है कि आप इन्हें अपनाओ ना ठीक है आपको सारी पास्ट की बातें याद आए एंड आप उस पर्सन को इस तरीके से पेज की रूप में ना अपनाओ क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है अभी भी आपके लेवल पर नहीं आया है और आपको वो स्टेबिलिटी ये इंसान नहीं दे पाएगा जो आप इस पर्सन से चाहते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि ये जो इंसान है फिर से वही सारी चीज़ों को रिपीट करेगा जो वो करते आया है ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है कि एट लास्ट आप इस पर्सन को लेकर थोड़ा इंडिसिसिव रहोगे थोड़ा टाइम लगाओगे लेकिन आप इस पर्सन को अपनाओगे बिकॉज आपके अंदर ट्रू इमोशंस हैं इस पर्सन को लेकर ठीक है आप उनको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ देखते हो नो no मैटर आप लोग सिंगल हो कि मैरिड हो ठीक है आप लोग अगर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो तब तो भी आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में देखते हो ठीक है तो ये इंसान ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ठीक है ये इंसान आपको कब तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं विद इन थ्री वीक्स टू थ्री मंथ्स ठीक है कॉन्टैक्ट करेंगे इंसान थ्री वीक्स के अंदर या फिर थ्री मंथ्स के अंदर और किसी किसी के लिए ये जो चीज़ है वो सेवन मंथ तक का टाइम ले सकता है सेवन मंथ तक इस पर्सन का आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ठीक है तो सबके लिए अलग अलग है लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थ्री वीक्स टू थ्री मंथ्स के अंदर डेफिनेटली ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आपको कॉल मैसेज करेंगे और खुल के बातों को क्लियर करेंगे आपके सामने ठीक है तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है और ये इंसान कमिटमेंट भी देना चाहेंगे आपको लेकिन जो कमिटमेंट आपको इस पर्सन से चाहिए हो सकता है वो चीज़ ये इंसान आपको ना दे पाए क्योंकि आपको आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके कुछ लेवल है आपने सेट कर रखा है कि आप, आप उस लेवल के नीचे किसी भी इंसान को नहीं अपनाओगे चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करे चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करो क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो चुका है कि शायद आप ऐसे इंसान के लिए अपना सब कुछ दे रहे थे जो आपको डिजर्व ही नहीं करता ठीक है तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए वेट ज़रूर करते हो आप अभी भी वेट कर रहे हो और ये इंसान भी आपका वेट कर रहे हैं ठीक है थीके? और ये इंसान आपके पास लौटेंगे भी लेकिन आपको जब ये लौटेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान वैसे का वैसा ही है अभी तक इसमें शायद वो चीज़ चेंज नहीं आई है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी कि इसके अंदर आए ठीक है लेकिन ये दिल से आपको अप्रोच करेंगे ठीक है ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत हो सकता है एंड ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं कैसे भी करके इंसान आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या ऑनलाइन डेटिंग हो कभी भी मिले नहीं हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक बार के लिए भी मिल जाओ तो शायद सारी बाधाएँ दूर हो जाएंगी शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है किसी ना किसी वजह से बिकॉज आप लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कुछ लोगों का मुझे यहाँ दिख रहा है जिसके वजह से प्यार है लेकिन ऑप्स्टिकल्स इतने हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे इधर जाए कि उधर जाए ठीक है आप भी दुविधा में फंसे रहते हो तो ये इंसान भी दुविधा में फंसे रहते हैं हमारे पास है कॉस्मिक गेट अवे या थाट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल मेराकुलिस चेंजेस अकरिंग सो so, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना पड़ेगा तो लेट मी टेल यू कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में वापस आने के लिए ठीक है हमेशा आपके बारे में ट्वेंटी फोर सेवन ईयर सोचते रहते हैं उनका फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर रहता है चाहे कुछ भी सिचुएशन हो आपको बस अपने थाट्स को पॉजिटिव रखना है अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहते हो ठीक है बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कनेक्शन को छोड़ के मूव ऑन कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी हो जाए चाहे बुरी सी बुरी चीज भी हो जाए तब भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका प्यार उनके पास लौट आए या सारी चीजें ठीक हों सो so आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए इस पर्सन से इस कनेक्शन से बिकॉज जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा क्योंकि आपके जो थॉट्स है बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल है सो जैसा आप सोचोगे वैसा आपको रिसीव होगा इन रिटर्न सो so बेटर ये है कि आप पॉजिटिव रहो बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत प्यार इस पर्सन को लेकर आपके अंदर एक एक मदरली एक फीलिंग्स है ठीक है मतलब आप उनके लवर तो हो बट आपके अंदर बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग वाली एनर्जी भी है इस पर्सन को लेकर सो so, अपने थॉट्स को अपने वाइब्स को आप पॉजिटिव रखो ठीक है अच्छा रखो और सोचो कि डेफिनेटली सारी चीजें जो है जो भी बाधाएं चल रही है वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचते जाओगे कि हाँ बांधा है ये इंसान प्यार नहीं करता या नहीं करती ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस पर्सन के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या होगा नेगेटिविटीज और भी बढ़ेंगी ऑब्सटेकल्स और भी बढ़ते जाएंगे आप दोनों के बीच में बिकॉज अगर आप लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हो तो आप जैसा सोचोगे कहीं ना कहीं वैसा मैसेज उस पर्सन के पास भी जाएगा वो इंसान भी आपको मिरर करेगा तो चीज़ें वैसे ही होती जाएंगी ठीक है सो जितना आप पॉजिटिव रहोगे जितना आप सोचोगे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा वैसे ही इंसान के अंदर भी वो स्ट्रेंथ आएगा कि सब कुछ ये ठीक करके आपके तरफ आए ओके सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आएगा पसंद आई रिजनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाय-बाय पायल हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का बर्थडे या जन्म तारीख टू सिक्स थ्री इलेवन एट ट्वेल्व एटीन फोर्टीन सेवन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थर्टी या फिर दो छह तीन ग्यारह आठ बारह अठारह चौदह सत्रह इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस है देखते हैं कि जो आपके जो इंसान है क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे कॉल मैसेज करेंगे क्या आपको कमिटमेंट देंगे उनकी एनर्जीज कैसी है सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे ओके सो लेट्स सी ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज कैसी है आप दोनों के रिश्ते को लेकर ठीक है वो क्या सोचते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर उनकी एनर्जीज कैसी है सब हम देखने की कोशिश करेंगे सो so, जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बना कर रखें आप जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो ओके चलिए देखते हैं और me for pile number two to know their what their person's current energies are for their connection. हमारे mm पास -hmm. moment to moment. कैप्रिकन गोइंग विथ द फ्लो वाटर साइन कैंसर स्कॉपी ओपाइशिस न्यू विजन ओके स्कॉर्पियो ज्यादा दिख रहा है मुझे कॉन्शियसनेस एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमनाई रिबर्ट इन रिवर्स एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जमेनाई बॉटम द टेक्स हमारे पास है ब्रेक थ्रू ओके okay, सो so हमारे पास है लियो सेजिटेरियस वर्गोटोरस कैप्रिकॉन कैंसर कैंसकॉपिपाइश एक्वेरियस लिब्रा जमुना ओके okay. सो so, इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आप दोनों के रिश्ते को लेकर सो so, मैं आपको बता दूँ ये जो इंसान है इस इंसान की पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है इस पर्सन के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ओके okay? एंड इस पर्सन की जो मैंटेलिटी थी या फिर ये जैसे पैटर्न में आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाते थे उस चीज में इस पर्सन के अंदर बदलाव आ रहे हैं ओके okay. लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कैसे करें ठीक है हमारे पास है रिबर्ट इन रिवर्स और हमारे पास है न्यू विजन तो इस पर्सन को विजन ज़रूर है इस पर्सन को पता ज़रूर है कि क्या आप दोनों के बीच में गैप था या क्या इनसे गलती हुई क्या आपसे हुई क्या सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते में इस पर्सन को विजन है क्लैरिटी है बट इस पर्सन को डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि ये कैसे आपके तरफ नई शुरुआत करें ठीक है बिकॉज एक चेंज ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में चाहते हैं लेकिन वो चेंज ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं कुछ इनके अंदर ब्लॉकेजेस हो सकते हैं हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया था या फिर पास्ट में आपको छोड़ के गए थे ये सोचकर कि उनकी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स होंगी लेकिन उनको कुछ नसीब नहीं हुआ एंड अभी आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी ओके एंड विद द कॉन्शियसनेस मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये जो इंसान हैं बहुत ज़्यादा ही एनालाइज कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को बहुत सोल लेवल पर फील कर पा रहे हैं बट एट द सेम टाइम हमारे पास है मोमेंट टू मोमेंट एंड गोइंग विद द फ्लो सो ये जो इंसान है आपके लिए इमोशनली फील ज़रूर करते हैं प्यार आपसे ज़रूर करते हैं लेकिन अभी ये जो इंसान है जैसा चल रहा है उसी वे में उसी फ्लो में ये आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज इनको खुद का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि किस तरफ इनको आगे बढ़ना चाहिए सो जैसे इनकी लाइफ चल रही है वो वैसे चलाए जा रहे हैं ठीक है मतलब सुबह हो रहा है अपना काम कर रहे हैं ठीक है रात हो रहा है सो जा रहे हैं फिर दिन में सेम पैटर्न को ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है लेकिन इनको आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इनको चेंज चाहिए इनको इमोशनल फ्लो आप दोनों के रिश्ते में चाहिए फिर से लेकिन उसके लिए ये कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं ठीक है बिकॉज इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये किस तरफ से आपकी तरफ आगे बढ़े तो ये इनकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो उन पर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओके एंड बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़्ड भी हैं कि ये कैसे आपके तरफ आए बिकॉज हमारे पास है यहाँ पर ब्रेक थ्रू सो so, ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली बर्डन्ड हैं और कुछ चीजें जो है ये उस चीज से निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं आपसे कहना चाहते हैं ठीक है ठीके? कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं इनके लाइफ में अभी भी चल रही है ठीक है जिससे वो निकलना चाह रहे हैं क्योंकि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया जिसकी इनके सोल में बदलाव आ चुका है लेकिन सिचुएशन में कंडीशन में इनके इन्वायरमेंट पे इनके सराउंडिंग में वो बदलाव नहीं आया तो उससे ये फटकर निकलना चाहते हैं ठीक है ठीके? उससे ये हटना चाहते हैं ठीक है ठीके? लेकिन वो नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे या फिर आपके कनेक्शन को लेकर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं ठीक है सो आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार नहीं करते एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को आना ही नहीं है आपके पास इनकी इच्छा ही नहीं है आपके पास आने की नहीं तो ये कब तक आ चुके होते हैं ठीक है तो ऐसी आपकी थॉट रहे होंगे लेकिन लेट मी टेल यू ये इंसान जो है ना इनके लाइफ में कुछ मेजर ब्लॉकेजेस हैं जिससे ये खुद पेन फेस कर रहे हैं खुद सफर कर रहे हैं खुद निकलना चाह रहे हैं लेकिन ये ना उस चीज से निकल पा रहे हैं ना आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं सो so ये जो है ना मतलब बहुत बेसहारा से हो गए हैं मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही इनको चल रहे हैं पपेट की तरह ठीक है मतलब इनको कुछ पता नहीं है कि इनको क्या करना है क्या नहीं बस जिंदगी ये गुजार रहे हैं कैसे भी करके ठीक है और जो इनकी ट्रू फीलिंग्स है जो ये आपके लिए फील करते हैं उस पर ये कुछ भी अमल नहीं कर पा रहे ठीक है तो उनकी ये चीज मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रही है तो उनकी करंट एनर्जी आप दोनों के रिश्ते को लेकर ये है ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपको लेकर अगर ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं थे आपके लिए तो अब ये जो इंसान है बहुत ज्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त ठीक है इनके अंदर प्यार बढ़ रहा है लेकिन इनको कोई स्टेप्स नजर नहीं आ रहा है तो जो इनको दिख रहा है वो वैसे वैसे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं ठीक है सो ये चीज मुझे यहाँ पर है दिख रही है चलिए देखते हैं कि ये जो इंसान है क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे यहाँ पर सारे साइंस ही मौजूद है गाइस ओके यहाँ पर सारे साइंस ही मौजूद दिख रहे हैं मुझे तो चलिए देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग ब्लॉक्ड हो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने वाइस वर्सा हो सकता है ये इंसान बहुत डिफेंसिव रहे हो ओके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट आया है ठीक है ओके पहले हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना इतना डिफेंसिव थे कि ये रोक देते थे आपको ठीक है आपको इग्नोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस ले जजमेंट टेन 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 वाओ चैरियट नंबर सेवन वाओ सेवन सेवन बहुत रिपीटेटिव नंबर हैं सो मुझे दिखना है मेजरली आप लोगों का यूनियन होगा एंड कंप्लीशन के साथ साथ कुछ न्यू साइकिल्स शुरू होंगे हमें एक और कार्ड चाहिए प्लीज यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज ओके सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स व्हाट ऑन द टेक्स वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स ओके सो इस पर्सन के लाइफ में स्ट्रगल्स हैं ओके डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में स्ट्रगल्स हैं ये पर्सन अपने ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हैं अपने ब्लॉकेजेस से निकलना चाहते हैं कुछ मेजर ब्लॉकेजेस इनके लाइफ में है जो इनको ना अपने खुद के लाइफ में आगे बढ़ने दे रही है ना आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने दे रही है बट ट्रस्ट में ये जो इंसान है ना ये उन सारे ब्लॉकेजेस से ओवरकम होंगे ठीक है क्योंकि ये रिवर्स से अपराइट में आया है सो इन द कमिंग फ्यूचर डेफिनेटली ये जो इंसान है ये ओवरकम करेंगे अपने सारे इश्यूज़ को ठीक है वो सारी चीज़ से यह हटेंगे अगर आप ब्लॉक हुए इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये इंसान आपको टेक्स्ट या कॉल करेंगे ये इंसान खुद आपकी तरफ एफ़र्ट्स लाएंगे और आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुझे डिवाइन टाइमिंग एंजल्स का इन्फ्लुन्स दिख रहा है ठीक है उनका सपोर्ट दिख रहा है बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी प्रे करते हो और आपके पर्सन भी करते हैं लेकिन ना आप कुछ कर पाते हो ना वो कुछ कर पाते हैं तो इन फ्यूचर ये इंसान आपके तरफ ख़ुद आगे बढ़ेंगे ये ये एक स्ट्रॉग कमिटमेंट स्ट्रांग डिसीजन लेकर आपके तरफ आएंगे बिना किसी चीज़ आ, के बारे में सोचें बिना किसी टाइप के इश्यूज के बारे में सोचें ये इंसान आपके तरफ आएंगे कुछ गुड न्यूज़ लेकर आएंगे ठीक है कुछ प्रपोजल्स लेकर आएंगे ये ये पैशनेट एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी के साथ एंड पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आपके लाइफ में री करेंगे ठीक है और हो सकता है कि ये आपको मैरिज प्रपोजल दें या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो हस्बैंड एंड वाइफ हो तो ये आपके पास आएंगे आपको ले जाने के लिए ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आंसर इज डेफिनेटली इंसान की जो लाइफ में स्ट्रगल सभी मौजूद हैं ब्लॉकेजेस अभी मौजूद हैं जिसकी वजह से ये इंसान कुछ आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या फिर इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अगर बदलाव चाहते भी हैं आपके कंडीशन में तो ये कैसे उस बदलाव को लाएँ लेकिन आगे चल के ये जो इंसान है वो आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे ठीक है वो समझेंगे कि कहाँ पर इनकी गलतियाँ थी ठीक है इनको क्या नहीं करना चाहिए था ठीक है बहुत ये पेन फेस करेंगे फ्यूचर में मुझे लग रहा है और भी एक पीक पॉइंट पे ये पहुँचेंगे जहाँ पे सेचूरेट हो जाएगा इनकी सारी फीलिंग्स इनकी सारी प्रॉब्लम्स तब ये उस चीज़ से पूरी तरीके से निकल कर आपके तरफ आएंगे आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए और ये कही कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे होगा ठीक है सो so, मैं आपको बता दूँ ये कब तक हो सकता है किसी किसी के लिए टेन वीक्स का टाइम लग सकता है किसी किसी के लिए मुझे टेन डेज का भी टाइम लग रहा है और किसी किसी के लिए टेन मंथ्स तक का टाइम लग सकता है अलग अलग लोग देख रहे हो तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होंगी किसी किसी के लिए सेवन वीक्स के अंदर भी ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बट मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है वो आपसे बात बहुत जल्द करेंगे ठीक है कॉल या टेक्स्ट बहुत जल्द करेंगे और जो रियूनियन वाला चीज़ है जो कमिटमेंट वाला चीज़ है जो प्रपोजल वाला चीज़ है वो थोड़ा सा ये लेट से दे तो हो सकता है पहले आपको यह कॉल करे टेक्स्ट करें फिर थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहे या थोड़ा बहुत बात करें कैजुअली बात करें ठीक है फिर धीरे धीरे अचानक से आके आपको कहेंगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं मेरी ऐसे फीलिंग्स हैं ठीक है तो ऐसे ये एक्सप्रेस करेंगे तो सबसे पहले मुझे लग रहा है पहले तो कम्युनिकेशन बहुत जल्द होगा कम्युनिकेशन आपका एक दो दिन के अंदर हो सकता है तीन दिन के अंदर हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज करें अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो बातचीत होती नहीं है ऑन एंड ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट बहुत जल्द करेंगे लेकिन जो कमिटमेंट इनको देना है उसमें इनको थोड़ा सेवन मंथ्स टेन मंथ्स टेन वीक्स सेवन वीक्स का टाइम लग सकता है ठीक है लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं वापस तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है डिवाइन आपके साथ है यूनिवर्स आपके साथ है एंजल्स काम कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में क्योंकि हो सकता है कि इंसान पहले आपको लेकर सीरियस नहीं थे इनके अंदर प्यार था लेकिन आपको सीरियस नहीं थे आपको लेकर इनको लगता था कुछ नहीं हो सकता ठीक है हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं लेकिन यूनिवर्स इनको रास्ता दिखाना चाह रही है यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है यूनिवर्स इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है ताकि आपने जो भी मन्नतें मांगी हैं आपके जो भी गुड कर्मास हैं उसका रिजल्ट उसका जस्टिस आपको मिले शायद आपने बहुत पेन झेला शायद आपने सारे एफर्ट्स डाले शायद आपने सब कुछ झेल लिया लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके आप हकदार हो तो यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे ठीक है ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे जरूर आप इन्हें अपनाओगे भी और इनके साथ आपकी मैरिज भी हो सकती है आप इनके साथ कंसीव भी कर सकते हो बहुत जल्द ठीक है तो जो भी सिचुएशन अगर मैरिड तो कंसीव कर जाओगे सिंगल हो लाइक like, रिलेशनशिप में हो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओगे बस फ्रेंड्स हो तो रिलेशनशिप में आ जाओगे ठीक है कुछ भी सिचुएशंस हैं तो जिस सिचुएशन में अभी आप फंसे हो उससे कहीं ना कहीं आप दोनों निकल के आगे बढ़ोगे रिश्ते में चीज मुझे पर क्लियरली नजर आ रही है बस इतना फर्क है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिश्ता आगे बढ़ाएं बढ़ाना आपको भी है उनको भी है आपने हो सकता है पूरा एफर्ट्स डाल लिया अब आप अपने पावर में हो लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें तो वो चीज़ इनको समझ आएगी और ये करेंगे भी ओके okay? सो so अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है हो सकता है आपको रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ही ज्यादा दिखते हो कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन फ्लेम कलेक्शन में हो सकते हो ठीक है चलिए देख लेते हैं ओके okay, सो so हमारे पास है

अगर कुछ एंडिंग्स हुई है तो उसके साथ एक नई शुरुआत भी होती है ठीक है वो चीज़ आप दोनों के बीच में ज़रूर होगी बहुत जल्द आपके साइकिल्स एंड होंगे न्यू साइकिल्स स्टार्ट होंगे एंड आपके बीच में जो भी एल्यूजन्स हैं जो भी सीक्रेट्स हैं आप दोनों के बीच में जो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है इंसान चाहता क्या है किस हाल पे क्या करा नहीं करा वो सारी आपके सामने रिवील होंगी सारी सच्चाई आप दोनों के कनेक्शन की आपके सामने रिवील होगी आपकी इंट्यूशन आपकी सिचुएशन आपको बता देंगे एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंट्यूशन इस पर्सन की सोल इस पर्सन को कह रही है कि क्या सच्चाई है और क्या इल्यूजन है और इस इसी चीज से ये पर्सन डिफ्रिशिएट करके जगलिंग मोड से निकल के आपके तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है सो so ये चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है पूरी तरीके से तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है यूनिवर्स आपके साथ है आपके साथ सब कुछ अच्छा होता जाएगा ठीक है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द मुझे अबंडेंस ब्लेसिंग्स दिख रही है पर्सनल लाइफ में भी ओके सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग आई होप आप लोग को पसंद आया अगर पसंद आई रिजुनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टू